काँग्रेस उत्तर भारतीयांची प्रतिष्ठा होती, काँग्रेस पक्षात महाराष्ट्राचा गृहराज्यमंत्री उत्तर भारतीय झालाय, मुंबई सारख्या महापालिकेचे 3 महापौर उत्तर भारतीय झालेत, आता आम्हाला नगरसेवकाच्या तिकीटसाठी भीक मागावी लागते, असं वक्तव्य डोंबिवलीतील आयोजित हिंदी भाषा जनता परिषद या कार्यक्रमादरम्यान शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख विश्वनाथ दुबे यांनी केलं. ते पुढे बोलताना, येणाऱ्या काळात आम्हाला प्रतिनिधित्व दिलं गेलं नाही तर आम्ही आमचा निर्णय घेऊ, राजकीय पक्षांना जागा दाखवून देऊ, असा सज्जड दम दुबे यांनी शिवसेना भाजपाला दिलाय. की मैं ये मुझे बड़ा दुख है कि उत्तर भारतीय समाज यहाँ के राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ वोट बैंक है. जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ वोट की बात की जाती है और रेवड़ी, हमारे यहाँ रेवड़ी होती है, बच्चों को हम लोग रेवड़ी बांटते हैं, तो रेवड़ी के जैसे पद यहाँ पर दे दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप उनके हाँ में हाँ मिलाते जाइए. और मैंने ये जो चैलेंज किया है, मैं इनके बड़े पदाधिकारियों से भी बात कर चुका हूँ कि समय आने पर हम लोगों का मूल रूप से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदी भाषियों की प्रतिष्ठा थी. हिंदी भाषी वहाँ पर गृहराज मंत्री तक हुए, मुंबई जैसे महानगर का 3-3 मेयर हिंदी भाषी हुआ. आज हम लोग एक नगर सेवक के लिए भीख मांगते हैं. ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से इन नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि अब भाई जमाना बदल गया है. आप, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, आपके साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के विकास के लिए हर कार्य कर रहे हैं, आपको जिताने के लिए हर कार्य कर रहे हैं. मैं विशेष रूप से कल्याण लोकसभा की बात करता हूँ. कल्याण लोकसभा में 3,80,000 मतदाता हिंदी भाषी हैं, लेकिन जब हिंदी भाषियों की बात आती है तो उनको दबा दिया जाता है. कल्याण ग्रामीण में मुझे किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदी भाषी मतदाता के हिसाब से मैं एक MLA यहाँ ला सकता हूँ. मैं मतलब हम लोग कल्याण पूर्व की ऐसी स्थिति है, लेकिन स्थिति आती है कि यहाँ पर स्थिति है कि कोई किसी की पूछने वाला नहीं है जब उनको ज़रूरत है तो. लेकिन इस बार हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि भाई आपको भी अपना आपका स्थान हम लोग दिखाएंगे.